हेलो स्टूडेंट, सिक्स्थ क्लास के सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की ये केस स्टडी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के पहले एक्सपीरियंस जो उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था। पर पहले डाइवर्सिटी क्या है, मैंने पहले भी बताया था डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जब हम दिखते तो एक जैसे हैं पर अपनी कितनी चीज़ों से हम अलग होते हैं, अपने रिलीजन, अपने कास्ट, अपने पहनावे, अपने सेलिब्रेशन, कई चीज़ों से हम अलग होते हैं। तो डाइवर्सिटी ये आपकी बियॉन्ड होती है, मतलब जेंडर और एथनिक रेस से बियॉन्ड होती है, पर हम डाइवर्स्ड होते हैं यानी कि अलग होते हैं। वो हर तरीके से अलग होते हैं, अपने कल्चर, अपनी रेस, एज, जेंडर, हर तरीके से हम अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। अब डाइवर्सिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन भी होगा। तो डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें हमारी डाइवर्सिटी की वजह से ही लोगों से अलग करती है, यानी कि अनफेयर और अनइक्वल ट्रीटमेंट जब होता है इंडिविजुअल ग्रुप से, वो भले ही उनकी किसी भी चीज़, उनकी कास्ट से हो, उनके जेंडर से हो, या उनके किसी भी बिलीफ की वजह से हो, तो जब वो एक अलग तरीका बिहेवियर होता है तो उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और ये कई तरीके से होता है कि लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग या पर्टिकुलर जेंडर के लोग या पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लोग ये काम नहीं कर सकते। ये डिस्क्रिमिनेशन जैसे आपकी डिसेबिलिटी से, आपकी एज से, लैंग्वेज से, आपकी कलर से, आप मैन हैं, वुमेन हैं, इससे, बिलीव से, रिलीजन से, हर तरीके से होता है। तो ये वीडियो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के पहले एक्सपीरियंस की जब उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 to 1956 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर एंड अ स्कॉलर ऑफ द 20th century। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहले लॉ मिनिस्टर भी हैं हमारे और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि वो उस चेयरमैन थे उस कम्युनिटी के जिसने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ही वॉज बॉर्न इन द मेहर कास्ट फैमिली ऑफ मध्य प्रदेश। द मेहर वॉज कंसिडर एज अनटचेबल, यानी कि अछूत माने जाते थे। दे व पुअर ऑल्सो, दे हैड नो चॉइस बट टू वर्क। दे लिव्ड इन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, यानी कि गाँव के भी भारी एरियाज में रहते थे वो। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, देन ही वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। यानी कि अंबेडकर साहब अपनी कास्ट के वो पहले आदमी थे जिसने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की और लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। उन्होंने एक दलित फैमिली में बॉर्न होने की वजह से अपने किसी भी मोटिव में अपनी रुकावट नहीं आने दी। सारी डिस्क्रिमिनेटर जो प्रोटेजस थ्योरी थी लोगों की वो सब हटाकर वो पहले लॉ मिनिस्टर बने और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को इल्लीगल बताया। तो डॉक्टर अम्बेडकर की पहली जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी वो कब थी, जब वो सिर्फ 9 साल के थे। 1901 में वो अपने भाई के साथ गोरेगांव स्टेशन पे जा रहे थे जो अब महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पर जब वहाँ के रेलवे स्टेशन पे वहाँ के आदमी ने उन्हें देखा तो पहले उनसे अच्छा ट्रीटमेंट किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक ब्राह्मण है। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो मेहर कास्ट से हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी बदल गए और उनका बिहेवियर भी उनकी तरफ बदल गया। तो स्टेशन के बाहर बहुत सारे बुलकार्ड्स कर रहे थे, उन्हें अपने जब डेस्टिनेशन पे जाना था तो वहाँ उन्हें ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि वो एक दलित कास्ट से थे, मेहर कास्ट से थे। वहाँ लोग सोच रहे थे अगर वो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाएंगे तो वो गंदी हो जाएगी और उनकी इज्जत भी गिर जाएगी अगर वो एक छोटे कास्ट के आदमी को अपनी गाड़ी में लेकर उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ेंगे। तो उस टाइम पे दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगा, उन्हें लगा कि उनके साथ ही किस तरह का बिहेवियर हो रहा है। तो ये एक पहला मतलब जो एक्सपीरियंस था अंबेडकर साहब का डिस्क्रिमिनेशन का, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी के वीडियो के लिए देखते रहिए सनराइज़।